Hello students, I am Dr. Rana, consultant gynecologist at Usha Bansal Nursing Home. A lady presented with pregnancy of 6 weeks, so it is in early pregnancy. Okay, on ultrasound, a left adnexal mass of 3 cm is noted. So a left adnexal mass of 3 cm. इसका मतलब एडनेक्सा में मास है, तो इट कैन बी अ केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल एक्टोपिक. दिस मास हैज अ स्मॉल गेस्टेशनल सैक एंड अ फीटल नोड. सो इट्स अ फाइनल कंफर्मेशन कि ये ट्यूबल एक्टोपिक है, बट नो फीटल हार्ट इट इज सीन. ओके, व्हाट इज द मैनेजमेंट? ठीक है, सो वी नो फ्रॉम द क्वेश्चन, वी नो दैट दिस इज अ केस ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक अराउंड 6 weeks. ओके, they are asking us management. Okay, options are wait and watch, surgery salpingectomy, or medical management, or surgery salpingostomy. Okay, salpingectomy is removal of tube, and salpingostomy is tube mein ek opening kar dena. Okay, opening in tube, ऑस्ट बना देना ट्यूब में, साल्पिंजोस्टमी. ओके, सो वेदर वी आर गोइंग टू डू सर्जरी, मेडिकल मैनेजमेंट और वेट एंड वॉच, दैट इज द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. यूजली जो है फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में होता है ट्यूब के, और वहां से जो है जायगॉट इम्प्लांट होता है यूट्रस में. अब अगर किसी फैक्टर्स के वजह से ये जायगॉट ट्यूब से मूव करके नहीं जा पाता यूट्रस में और कहीं जाके ये इम्प्लांट हो जाता है या वहीं रुक जाता है, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. यूट्रस के अलावा कहीं पे भी प्रेगनेंसी होगी तो इट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये यूट्रस में जाके इम्प्लांट नहीं हो पाता है? द फैक्टर्स आर PID, अगर पेल्विक इन्फेक्शन है, अगर उस लेडी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद इट इज डिफिकल्ट फॉर द एम्ब्रॉय टू मूव एंड गेट इम्प्लांट इन द यूट्रस. सेकेंड इज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर पहले भी एक्टोपिक हुई हुई है तो अगेन देर आर चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि ट्यूब की कंडीशंस लगभग सेम वैसी होंगी. ठीक है, चलिए. सो मोस्ट कॉमन एक्टोपिक होती है ट्यूब में. ठीक है, ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, वहां से मूव नहीं किया और उन कंडीशंस की वजह से, तो वहाँ पे एक टॉपिक हो गई. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होती है एम्प्यूला में, अगर एम्प्यूला से ही मूव नहीं किया कंडीशंस की वजह से, तो वो ट्यूबल प्रेगनेंसी इन एम्प्यूला. ठीक है, सो मोस्ट कॉमन इज इन द ट्यूबल प्रेगनेंसी इन द एम्प्यूला. मोस्ट कॉमन इज ट्यूबल प्रेगनेंसी इज इन द एम्प्यूला, बिकॉज एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन होते हैं और इन्फ्लामेटरी कंडीशन PID की वजह से वो वहाँ से मूव ही नहीं कर पाया जायगॉट और वहीं पे ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने लगी. ठीक है, अब हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लेते हैं ट्यूब के, जिनमें जो है प्रेगनेंसी जिनमें प्रेगनेंसी होगी तो कब कब रप्चर होगी. अगर यूट्रस से चलें लेटरली फिम्ब्रिया की तरफ, तो फोर पार्ट्स होते हैं ट्यूब के. द वन विच इज इन द यूट्रस इज नोन एज इंटरस्टिशियल और कॉर्नुअल. ठीक है, सो ये जो पार्ट होता है ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है, लेकिन इसकी प्रेगनेंसी काफ़ी लंबी जाती है. इसकी जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है काफ़ी लंबी जाती है, बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय मायोमेट्रियम. तो मायोमेट्रियम से इसको न्यूट्रिशन मिलता जाता है, तो इट गोज अप टू 12 to 16 weeks. तो एम्प्यूलरी प्रेगनेंसी अभी हमने पढ़ा कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी एंड इट गोज अप टू 6 to 8 weeks. इस्थमस जो है वो सेकेंड नैरोएस्ट पार्ट है. मोस्ट नैरोएस्ट पार्ट क्या था? इंटरस्टीशियल. ठीक है, या कॉर्नुअल. तो वहाँ पे तो प्रेगनेंसी काफ़ी लंबी जाती थी 12 to 16 weeks तक, लेकिन इस्थमस में प्रेगनेंसी, बिकॉज ये बहुत नैरोएस्ट पार्ट है, तो प्रेगनेंसी 4 to 6 weeks ही रहेगी. ठीक है, 2 weeks less than the ampulla, okay? Because it is the narrowest part, और 4 to 6 weeks के बाद ये rupture हो जाएगी. Okay, अब होता है क्या है tubal pregnancy में? Tube में inflammation diseases PID की वजह से जो है ये pregnancy जो है हमारी आगे
नहीं जा पाई, यूट्रस तक नहीं जा पाई और ये जाइगोट वहीं रुक गया। अब ट्यूब तो बहुत ही पतली सी लीन एंड थिन स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं कर सकती। यूट्रस के पास तो मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, पूरी प्रोजेस्टेरॉन वाले प्रोजेस्टेरॉन ने पूरी ग्लैंड्स को सिक्रेटरी किया हुआ, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को, तो ऐसी कोई भी प्रिपरेशन ट्यूब में नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ जो है प्रेगनेंसी उतनी अच्छे से ग्रो नहीं करती है और बहुत जल्दी ये अबॉर्ट कर जाती है, ठीक है। सो दिस ग्रोथ ऑफ द प्रेगनेंसी इज नॉट सेम लाइक यूट्रस, ठीक है। तो ट्यूब इज वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट सपोर्ट प्रेगनेंसी, मोर ओवर ऑल द प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डन एट द एंडोमेट्रियम। तो बहुत जल्दी जो है प्रेगनेंसी का अबॉर्शन हो जाता है बिकॉज ट्यूब्स में सुटेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर ड्यूरिंग अबॉर्शन या अबॉर्शन से पहले ट्यूब में किसी, बिकॉज वो बहुत थिन है, कोई क्रिनेशन आ जाता है तो देन दिस प्रेगनेंसी बिकम्स रप्चर्ड प्रेगनेंसी, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो इट इज एन अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी कैन बी रप्चर्ड, कैन बी अनरप्चर्ड, डिपेंडिंग ऑन कि उस ट्यूब में क्रिनेशन आया है कि नहीं आया है, ठीक है। सो अगर ट्यूब ये प्रेगनेंसी को कौन सपोर्ट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आ रहा है, ट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट इज द ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर वाली लेयर होती है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट मेक्स HCG और वो HCG कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, ठीक है। अब वो उतना अच्छे से HCG या ट्रोफोब्लास्ट उतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगी जितना यूट्रस में ग्रो करेगी, तो HCG के लेवल्स भी उतने अच्छे नहीं होंगे जितने यूट्रस में प्रेगनेंसी में होते हैं, ठीक है। अगर ये रप्चर कर जाती है प्रेगनेंसी तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ट्यूब में क्रेनेशन हो गई, ठीक है। तो उसकी वजह से पेशेंट को सिंकोपल अटैक्स और हाइपोटेंसिव शॉक हो जाता है, ठीक है। सो सिंकोपल अटैक्स एंड हाइपोटेंसिव शॉक्स आर ओनली इन द रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, नॉट इन द अनरप्चर्ड। एंड ट्यूब प्रेगनेंसी कैन बी रप्चर्ड और अनरप्चर्ड, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज द सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अब हमें पता है कि एंडोमेट्रियम पूरी रेडी थी प्रेगनेंसी को लेने के लिए, जैसे ही ट्यूब वाली प्रेगनेंसी अबॉर्ट होएगी तो प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल हो जाएगा तो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। अब ये पेरिटोनियम वाली ब्लीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है, इट्स अ ब्लीडिंग ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल when the pregnancy has get aborted, ठीक है। अब सेकेंड है पेन एबडोमन, पेन एबडोमन दोनों में ही होता है, ठीक है, वेदर इट इज रप्चर्ड और अनरप्चर्ड दोनों प्रेगनेंसी में ही पेन एबडोमन होता है क्योंकि ट्यूबल प्रेगनेंसी है, पेन करेगी वो। अब सिंकोपल अटैक्स और हाइपोटेंसिव शॉक ये सिर्फ रप्चर्ड में होंगे, ठीक है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, हम इसके लिए TVS करते हैं क्योंकि TVS में सारी फाइंडिंग जो है वो 1 वीक प्रायर आ जाती है देन द एब्डोमिनल स्कैन, ठीक है। तो TVS में गेस्टेशनल सैक आता है 4+ वीक पे, 4+ वीक, ठीक है, 4 वीक्स कुछ दिन पे, कुछ डेज पे जो है गेस्टेशनल सैक आ जाता है। और कार्डियक एक्टिविटी आती है 5+ पे, ठीक है। सो अगर हमें ट्यूब में फोकस करेंगे तो गेस्टेशनल सैक जो है हमें 4+ पे आ जाएगा और कार्डियक एक्टिविटी 5+ पे आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में BHCG की वैल्यू जो है वो डबल हो जाती है 48 आवर्स में, लेकिन ट्यूबल प्रेगनेंसी अच्छा अच्छी कंडीशंस नहीं है फीटस के, जायगॉट के, एम्ब्रॉय के ग्रो करने के लिए, इसलिए वहाँ पे उतना अच्छे से डबल नहीं होता है 48 आवर्स में। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी में BHCG की वैल्यू डबल होती है 7 डेज में, ठीक है। अगर डबलिंग नहीं आ रही है, TVS में हमें कोई डाउट है तो हम बीटा एचसीजी वैल्यूज कराते हैं 48 आवर्स अपार्ट। अगर वो डबलिंग नहीं हो रही है तो इट मीन्स इट इज़ अ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर डबलिंग नहीं हो रही है तो इट इज़ अ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज TVS एंड वी कैन एड ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन बाई BHCG इफ एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। एंड
कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कैन बी डन ओनली बाय लेप्रोस्कोपी. कंफर्मेटरी डायग्नोसिस इज ओनली बाय लेप्रोस्कोपी. ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ टू ट्रीट. अभी मैंने बताया दो तरह की ट्यूबल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, अनरप्चर्ड एंड रप्चर्ड. ठीक है, तो अनरप्चर्ड में हम ट्यूब को सेव कर सकते हैं बिकॉज अभी ट्यूब रप्चर नहीं हुई है, और अगर रप्चर्ड है तो उसमें हम ट्यूब को सेव नहीं कर सकते. ठीक है, तो अनरप्चर्ड में हमेशा हमें ट्यूब को सेव करना है. अब अनरप्चर्ड में दो तरह के ट्रीटमेंट्स है, या तो मेडिकल मैनेजमेंट कर दो, ठीक है, या सर्जरी कर दो. ठीक है, तो अनरप्चर्ड में दो तरह के मैनेजमेंट्स हो गए कि मेडिकल मैनेजमेंट कर दो या सर्जरी कर दो. तो ऑफकोर्स मेडिकल मैनेजमेंट विल बी प्रेफर, सर्जरी कोई क्यों प्रेफर करेगा. तो मेडिकल मैनेजमेंट किन किन कंडीशंस में होगा, तो उसमें हमें बीटा एचसीजी की वैल्यू देखनी है. इट शुड बी लेस देन 3500 इंटरनेशनल यूनिट. ठीक है, कई लोग 5000 लेते हैं, कई लोग 35 लेते हैं. ठीक है, सो 3500 और 3500 टू 5000. ठीक है, और गेस्टेशनल सैक इज लेस देन 3.5 mm. ठीक है, वंस हमें कंफर्म हो गया ये अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी है, तो हमने जो है इसके बीटा एचसीजी और गेस्टेशनल सैक के डायमीटर्स लेने हैं. गेस्टेशनल सैक इज लेस देन 3.5 cm, इट इज सेंटीमीटर. ठीक है, एंड एब्सेंट कार्डियक एक्टिविटी, एंड कार्डियक एक्टिविटी शुड बी एब्सेंट. तो ये तीन कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी, वन इज बीटा एचसीजी वैल्यू, एंड अनदर इट शुड बी लेस देन 3500, एंड अनदर इज गेस्टेशनल सैक, इट शुड बी लेस देन 3.5 cm, एंड नंबर थ्री इज एब्सेंट कार्डियक एक्टिविटी. ठीक है, तो हम उसको मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, एब्सेंट कार्डियक एक्टिविटी, तो हम उसको मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं. मेडिकली जो है, हम जो इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट देते हैं, जिस वजह से जो है वो फीटस जो है अबॉर्ट कर जाता है और प्रेगनेंसी आगे नहीं कंटिन्यू करती, एंड देन इट बिकम्स अ ट्यूबल अबॉर्शन. ठीक है, सो सर्जरी, सो जो है ड्रग ऑफ चॉइस हम देते हैं मेथोट्रेक्सेट. ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है जो मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन देते हैं हम. ठीक है, अब सर्जरी जो है कौन सी करते हैं. अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी. ठीक है, तो सर्जरी हम कौन सी करेंगे, लीनियर साल्पिंजोस्टमी. लीनियर साल्पिंजोस्टमी ट्यूब है ये, उसमें एक लीनियर जो है ओपनिंग बना देंगे और वहां से हम वो एम्ब्रॉय को निकाल लेंगे, लीनियर साल्पिंजोस्टमी. तो सर्जरी कौन सी होती है अनरप्चर्ड में, ऑफकोर्स लेप्रोस्कोपी ही हम प्रेफर करते हैं, लीनियर साल्पिंजोस्टमी. अब अगर रप्चर हो गई है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट है पेशेंट को बचाओ. ठीक है, हमने रिससिकेट करना है पेशेंट को. ठीक है, ब्लड लगाना है, उसकी सारी कंडीशंस सूटेबल करनी है रिससिकेट करके, देन वी विल टेक द पेशेंट फॉर सर्जरी. अगर वो पेशेंट जो है अनस्टेबल है तो हम लेप्रोटमी ही करेंगे. ठीक है, अगर वो पेशेंट स्टेबल है तो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे. ठीक है, और सर्जरी साल्पिंजेक्टमी, ट्यूब को रिमूव कर दो. ठीक है, सर्जरी इज साल्पिंजेक्टमी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ट्यूबल प्रेगनेंसी. एक जो आंसर था उस क्वेश्चन का वो है, अब इस कंडीशन में जो लेडी की 6 वीक्स की प्रेगनेंसी है, 3 cm एडनेक्सल मास है एंड अ स्मॉल गेस्टेशनल सैक. ठीक है, अब 3 cm जो है उसे कम ही होगा. ठीक है, और कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट है, तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट है मेडिकल मैनेजमेंट. ठीक है, तो इसका आंसर है मेडिकल मैनेजमेंट, बिकॉज मास 3 cm का है, सैक 3 cm से कम ही है. ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी भी एब्सेंट है, इन्होंने बीटा एचसीजी की वैल्यू नहीं दी, बट ये कम ही होगी बिकॉज कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द मेडिकल मैनेजमेंट. सो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक प्रेगनेंसी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो टू ऑल द एफएमजीएस एस्पिरेंट्स सो दैट दे टू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस. थैंक यू.